एवरीवन, वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं सौरभ और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2। यूट्यूब में अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपके एक भी वीडियो यहां पर मिस ना हो। डेली बेसिस पे हमारे जो फ्री लेक्चर चल रहे हैं उसको आपको नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिलते रहे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर अभी अगर जो लेक्चर हमारा चल रहा है, इस लेक्चर के बाद जो नोट्स आपको प्रोवाइड होती है लेक्चर की, उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा कंपटीशन कम्युनिटी की वेबसाइट, वहाँ पे आप जाके इस लेक्चर का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हर वीक पे हम आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराएंगे, जो इस हफ्ते हमने लेक्चर लिया उस सब का प्रैक्टिस शीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कंपटीशन कम्युनिटी की वेबसाइट है वो भी आपको वहीं से मिलेगा। तीसरी चीज़, हम जो लेक्चर में पढ़ा रहे हैं और साथ में आपको जो प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराई जा रही है उसमें आप अगर आपको हमसे कुछ भी डाउट डिस्कस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आप जो भी डिस्कशन करते हैं वो हम देखते हैं और अगर वहाँ पे कुछ भी आपको डाउट लग रहा है आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो तीन चीज़ें मैंने बताई, अब आते हैं हमारे लेक्चर पर। ये सेकेंड पार्ट है लेक्चर का। पार्ट वन में मैंने सिंप्लीफिकेशन को हम कैसे पढ़ने वाले हैं ये मैंने बताया था। तीन चीज़ हमको पढ़ना था, एक है वी बॉड मास जो कि हमने पहले लेक्चर में ही कवर कर लिया था। एल्जेब्रिक के जो आइडेंटिटीज़ है उसको हमने स्टार्ट किया था तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। और तीसरी चीज़ मैंने जो बताई थी कि फ्रैक्शन रिलेटेड यानी कि भिन्नों से जो आपके सरलीकरण के सवाल होते हैं वो भी कवर कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम एल्जेब्रा को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड, जो बीजगणित के फॉर्मूले से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन सरलीकरण में आते हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ इस फ्रैक्शन से रिलेटेड जो है यानी कि भिन्नों से रिलेटेड जो हमारे सरलीकरण के सवाल आते हैं उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल इस वीडियो का आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ध्यान देंगे कि पिछले वीडियो में मैंने जो फॉर्मूला बताया उसमें से कौन सा फॉर्मूला इसमें फंस रहा है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का सी क्यूब है, ठीक है। लेकिन मैंने कभी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला नहीं बताया। मैंने आपको बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। उसमें एक कंडीशन हमने देखा था कि जब a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है। और कहीं ना कहीं यहां पर यही हो रहा है। अगर आप इस फॉर्मूले को याद करेंगे पिछले वीडियो में जो हमने कवर किया था कि a प्लस बी प्लस सी यदि जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। यहां पर अगर हम इसके हर के ऊपर ध्यान दें, इसका जो डिनोमिनेटर है उस पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो इंग्लिश हिंदी में जो दिया हुआ सवाल ये 5.1 है, ठीक है, 5.1 है, ये 6.8 नहीं है। तो यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो सबसे पहली बात आप देखेंगे यहां पर नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब है, तो इस माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाकर इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर की मैं बात कर रहा हूं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2.5 का होल क्यूब प्लस 0.391 का होल क्यूब और प्लस में माइनस अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2.891 का होल क्यूब, ठीक। इस तरीके से हम डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं और न्यूमिनेटर जो है वैसे का वैसे रहेगा, मतलब 2.891, ठीक, और यहां पे आपका 0.625, साथ में आपका 0.92 और एक आपका जो वैल्यू है वो है 5.1, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर को ऐसा ब्रेक किया तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में आ गया, जिसमें a और b एक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, और c जो है ये नेगेटिव नंबर है। अब अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करता हूं, a प्लस बी प्लस सी करने का मतलब क्या है, 2.5 प्लस 0.391 और प्लस में आपका माइनस ऑफ 2.891 आएगा। अब इस चीज को एक बार जोड़ के देखिए, अगर मैं ये दोनों को जोड़ता हूं, पहले और दूसरे वैल्यू को जोड़ने पर जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2.891 और यहां पर आगे माइनस ऑफ 2.89, मतलब कहने का मतलब यह है कि डिनोमिनेटर में तीनों के तीनों वैल्यूज को जोड़ने पर, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर जीरो आ रहा है, मतलब कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। तो क्या हम इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के जगह पे 3abc लिख सकते हैं? आपका जवाब होगा यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं जो डिनोमिनेटर है उसको कुछ इस तरीके से हम तोड़ के लिख लेते हैं। ऊपर जो वैल्यू है 2.891 ऐसा ही रहेगा, ये 0.625 भी ऐसा ही रहेगा,
0.92 भी ऐसा ही रहेगा और 5.1 भी कुछ इस तरीके से ही रहेगा, बस जो डिनोमिनेटर है उसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। ठीक, अब मैं इन चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ, जो चीज़ मैंने आपको बता दी कि डिनोमिनेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो आपका 3ABC के बराबर होगा। तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3 into A जो कि है 2.5 into B जो कि है 0.391 और यहां पर आपका है माइनस ऑफ 2.891। ठीक, C आपका माइनस 2.891 है। तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब को हम 3ABC के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, यहां पर देखिए डेसिमल कितने हैं, यहां पर दशमलव देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 7 है यहां पे, तो नीचे 7 है। मतलब मैं अगर 10 के घात 9 को और 10 के घात 9 को ऊपर और नीचे गुणा करूं तो सारे डेसिमल यहां से हट जाएंगे और यहां पर 7 डेसिमल हटेंगे, एक्स्ट्रा 2 10 बचे रहेंगे, मतलब 100 वहां बचा रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम यहां पर सारे डेसिमल को हटा सकते हैं 10 के घात 9 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये सारे डेसिमल हट जाएंगे ऊपर और नीचे भी सारे डेसिमल हट जाएंगे और एक्स्ट्रा यहां पर 7 ही लग रहे थे तो एक्स्ट्रा 2 वहां पे बच जाएगा। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा 2 है उसको मैं यहां लिख लेता हूं आगे मल्टीप्लाइड बाय 1/100। ठीक है, 1/100 को मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं डिनोमिनेटर में। ठीक, क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर 9 डेसिमल थे नीचे 7 डेसिमल थे। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 391 क्या है, तो 400 में 9 कम इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये 20² - 3² हो गया, 20² - 3² यानी a² - b² मतलब ये जो 391 है ये बना है 17 into 23 से। ये सब कैलकुलेशन ट्रिक्स पहले वीडियो में हमने देखा था। अब देखिए 25 से इसको काटोगे तो 25 आएगा, 25 4 से इसको काट देगा, 4 into 23 जो होता है ये होता है 92, 17 * 3 = 51, 3 इससे कट गया, 2891 यहां से कट गया, एक माइनस साइन बचा बाकी कुछ नहीं बचा, मतलब आंसर हो जाएगा माइनस का 1। तो सी जो है सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े वैल्यू से सॉल्व नहीं होगा, आपको ये पहचानना होगा कि ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से बना हुआ सवाल है और तभी जाके आप इसको विद इन 1 मिनट सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपका जो है टाइम वेस्ट होगा एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है तो इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां पर सबसे पहली बात 0.0203 दिया हुआ है, आगे 2.92 है, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 0.7 और 0.0365 आगे है यहां पे 2.9। डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है, न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। अब जैसे ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो मुझे एक चीज दिख रहा है कि 0.25 यहां भी है, 0.25 यहां पे भी है, तो क्या मैं इन दोनों में से 0.25 को कॉमन निकाल के इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.25 यहां बचेगा और प्लस का यहां पे 19.99 बचेगा। डिवीजन को मैंने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया था इसलिए डिनोमिनेटर ऊपर आ गया, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, ये चीज हम पहले वीडियो में देख चुके हैं इसके पिछले वीडियो पे। अब इसको नीचे लाने का मतलब है a² - b² और a² - b² का फॉर्मूला है a + b * a - b, ये भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये जैसे नीचे आएगा तो 12.12 - 12.12 होगा 8.12 a + b, यहां प्लस कर लेते हैं और अगला वाला हो जाएगा 12.12 - 8.12, यही होने वाला है। अब देखिए समझिए यहां पे हो क्या रहा है, 0.25 इस पे जोड़ने पर ये वैल्यू बन जाएगा 20.24 और इन दोनों को जोड़ने पर भी क्या आ रहा है तो 20.24 ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कट जाएंगे। बाकी चीजों का कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर जो चल रहा है 12.12 - 8.12, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं 4 लिख सकता हूं यहां पे, तो इस चीज को मैं यहां से हटा के लिख लेता हूं, 4 माइनस करने पर 4 आएगा तो मैं यहां पे 4 मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक, अब एक बार डेसिमल गिन लेते हैं ऊपर नीचे कितने हैं, यहां पे 4, 2, 6 और 2, 8, यहां देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगेन यहां पे नीचे 6 है और ऊपर 8 है डेसिमल पॉइंट्स, तो मैं यहां पर
सारे डेसिमल्स को हटा देता हूं, क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे, सारे डेसिमल्स को हटाएंगे। तो यहां चार हटा, यहां दो हटा, छः और यहां दो और हटे, तो टोटल आठ हट गए नीचे न्यूमरेटर में। यहां पे दो हटा, एक हटा सॉरी, यहां पे चार, तो पांच और ये छः। मतलब कि डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा हंड्रेड हमको रखना होगा, तो मैं एक्स्ट्रा हंड्रेड यहां डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा यहां पर फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हैं हम, या कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर सेवन से देखें 365 को अगर 292 से हम कट करने की कोशिश करें, तो ये 73 जो है 73 फाइव्ज़ा होता है, ये 73 फोर्ज़ा होता है, तो चार और ये वाला चार यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। 25 यहाँ पे आ रहा है, तो 25 पाँच से कट जाएगा, तो ये फाइव बन गया। ये फाइव इस 100 को 20 टाइम्स काटेगा, ठीक। अब क्या बचा हमारे पास, सेवन बचा। सेवन इंटू 29 करने पर कहीं ना कहीं 203 बनता है, तो ये भी कट जाएगा। मतलब कुल मिला के बचा तो केवल 1/20 बचा। 1/20 का मतलब होता है 0.05, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। केवल एक फार्मूला हमने यूज किया यहाँ पर, a²-b²। तो इस तरीके के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है, तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी बताया आपको, जो कैलकुलेटिव सवाल है उसको आप सेकेंड राउंड में कवर करिए। फर्स्ट राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप आसान वाले लीजिए, ताकि 40 मिनट्स के अंदर, 35-40 मिनट्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके सॉल्व हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। यहां पे दिया हुआ है 0.75 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1-0.75, और आगे देखेंगे तो प्लस है यहां पे, और प्लस के बाद है 0.75 प्लस 0.75 होल स्क्वायर प्लस 1। इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, डिनोमिनेटर का एलसीएम यदि हम ले लेते हैं, तो 1-0.75 आएगा एलसीएम, है ना। ये 0.75 का होल क्यूब जो है ये एज इट इज रहेगा, प्लस ये यहाँ पे चला जाएगा, मतलब बन जाएगा 1-0.75, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यूज है ये बन जाएगा, इसको थोड़ा अगर रीअरेंज करते हैं तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इसको 1 को आगे ले आते हैं, इस 1 को आगे ले आएंगे तो 1 का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ 0.75 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 0.75 में अगर मैं एक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी वैल्यू सेम रहेगा, और इस 0.75 को आगे भेज देते हैं, बस मैं रीअरेंज कर रहा हूँ एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला चल रही है इस प्लस के आगे, क्या ये a³-b³ का फॉर्मूला नहीं है। a³-b³ का फॉर्मूला होता है a-b इंटू a² + b² + ab। तो a का काम 1 कर रहा है, b का काम 0.75 कर रहा है। आगे ए स्क्वायर यहां पे आ गया, बी स्क्वायर यहां चला गया पीछे, और ए भी यहां बीच में आ गया, यानी कि कुल मिला के ये जो पूरी टर्म है ये आपका a³-b³ के इस फॉर्मेट में है। तो इसको मैं यहां पर हटा के क्या लिख सकता हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं हटा के क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं 1³ - इसका कलर चेंज करके लिख लेते हैं, ये आआपका फॉर्मूला बन गया a³-b³, 1³ - 0.75 का होल क्यूब। अब ये जो 0.75 का होल क्यूब प्लस में है और माइनस में है, ये कट जाएगा। बचा क्या, तो यहाँ ऊपर में 1 बचा, नीचे बचा 1-0.75 जो कि होता है 0.25। इसको अगर काटोगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 4। तो डी जो है इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर, आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये भी आपके एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें हम a³-b³ का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इस फॉर्मूले के तहत ये सवाल जो है बहुत आसान बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आंसर क्या आना चाहिए। आप देख पा रहे हो ऊपर a³+b³ के फॉर्मूला है, जिसमें a जो है आपका बन गया है 775, b जो है आपका बन गया है 225। तो अगर a³+b³ के फॉर्मूले को याद करेंगे तो कहीं ना कहीं a³+b³ का फॉर्मूला क्या होता था, a³+b³ का फॉर्मूला होता है a+b (a²-ab+b²), यही होता है। तो अगर इसको हम इस फॉर्मेट में लिखें खोलकर, तो ये बन जाएगा 775 + 225, और आगे जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के हूबहू है, मतलब 775 का होल स्क्वायर -775 × 225 और प्लस का 225 का होल स्क्वायर, यही है। नीचे यदि हम देखेंगे वैल्यू को, तो ये 775 है,
यहाँ 77.5। मतलब देखिए, अगर मुझे ये डेसिमल हटाना है, ये डेसिमल हटाना है, तो मुझे यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पे भी 10 मल्टीप्लाई, सेम इस पे भी 100, इस पे भी 100। तो कुल मिला के ये है कि ऊपर नीचे मुझे 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस डेसिमल को हटाने के लिए। तो मैं नीचे वाले वैल्यूज को ऐसा ही लिख लेता हूँ, 775 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 775 इंटू 225 और प्लस का 225 का होल स्क्वायर। हम देखिए, ये चीज़ लिखने वाला नहीं है, ये समझाने वाला है, आप इसको ओरली कर सकते हैं एग्जाम में और ऊपर 100 कर लेते हैं। मैंने कुल टोटल किया क्या है, तो मैंने ये किया है कि मैंने ऊपर नीचे 100 मल्टीप्लाई किया, जिसमें से जो पहला 100 डिनोमिनेटर में था वो 100 अंदर इस ब्रैकेट में जाके सभी चीज़ों से मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा चुका है, और न्यूमरेटर में जो 100 है वो एज इट इज रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, तो बचेगा क्या, तो केवल ये बचेगा और वहां पे 100 बचेगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं 1000 आने वाला है, 1000, और वहां पे 20 और है तो 120 और यहां पे आ जाएगा। मतलब ये जो आंसर है 50 वाला, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन यहां पे हमने क्या यूज किया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किया, जो कि हम पिछले वीडियो में इस सभी फॉर्मूलेस को हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं, लिख चुके हैं अपने नोटबुक पर, उसी चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो रहा होगा, यहाँ पर आप मेरे सॉल्व करने के पहले खुद सॉल्व कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पर दिया हुआ है 0.8 होल क्यूब प्लस 0.6 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 0.08 का होल स्क्वायर है, 0.06 का होल स्क्वायर है, माइनस ऑफ 0.08 इंटू 0.06। तो हूबहू ये पिछले सवाल जैसा ही है, ऊपर में जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा 0. देखिए ये क्या है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है कहीं ना कहीं, जिसमें ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, तो ये होता क्या है, तो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ना। ठीक, तो यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी लिख सकता हूं 0.8 प्लस 0.6, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 0.8 इंटू 0.6, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आओगे तो यहां पर कहीं ना कहीं देखिए फिर से वही बात हो रही है कि यहां डेसिमल एक तरफ शिफ्टेड है, तो मुझे यहां पर इसे 0.8 बनाने के लिए इसमें 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये 0.8 बनेगा, यानी 0.8 का स्क्वायर जो यहां पर हम लिखे हैं इसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब ऊपर नीचे हमें क्या करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करते साथ ये वाला वैल्यू बन जाएगा 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.6 का होल स्क्वायर माइनस 0.8 इंटू 0.6। एक्स्ट्रा 100 जो है वो न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा रहेगा, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में एक एक्स्ट्रा 100 ऊपर मल्टीप्लाइड रहेगा, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है इसमें एक और 100 हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि एक 100 तो नीचे मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू बना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, बचा क्या, तो 0.8 प्लस 0.6 जो कि वो है 1.4, और न्यूमरेटर में एक 100 एक्स्ट्रा बचा था, तो 140 जो है 140 इज द करेक्ट आंसर, बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, बाकी जो क्वेश्चंस है वो मैं प्रैक्टिस शीट में डलवाऊंगा, जिससे आपकी अच्छी खासी इसमें प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक, ज्यादातर जो सवाल आते हैं सिंप्लीफिकेशन के वो वी बॉडमास से आते हैं, एल्जेब्रा के सवाल कम आते हैं, तो अगर टोटल 20 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है एसएससी सीएचएसएल का, तो इसमें से 2 या मैक्सिमम 3 शिफ्ट में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से सवाल आते हैं, और बाकी सवाल जो है वो आपके वी बॉडमास से आते हैं। ठीक, एक सवाल जो मुझे याद आ रहा है, पिछले 2019 में आया था, बहुत ही आसान सा सवाल ऐसा पूछा हुआ था, 87 इंटू 113, बताइए क्या ये आसान नहीं है। इसमें बस आपको करना कुछ नहीं है, 100 माइनस 13 है ये एक वैल्यू, और दूसरा है 100 प्लस 13, तो कहीं ना कहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये बन जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, इतना ही हमें करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत आसान सी बात है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने जाओगे तो टाइम लगेगा, बट आपको यह देखना है कि 100 में 13 कम है, 100 में 13 ज्यादा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से फटाफट निकल जाए। इस लेवल का क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, बहुत ही आसान सा, जिसमें आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करना है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं फ्रैक्शंस में, भिन्नों से रिलेटेड जो सरलीकरण के आपके सवाल एग्जाम में आते हैं उसको हम कवर करते हैं। इसमें भी 3 प्रकार के भिन्न है, फ्रैक्शंस है,
एक जो हम पढ़ेंगे इसमें वो है आपका रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग फ्रैक्शन, ठीक। रिकरिंग फ्रैक्शन का मतलब है अशांत भिन्न, अशांत भिन्न, ठीक, अशांत भिन्न। दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है लैडर फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन मतलब जो सीढ़ी की तरह दिखता है वो वाला फ्रैक्शन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है काटापीटी सीरीज, काटापीटी सीरीज, ठीक। इसका नाम काटापीटी सीरीज क्यों है वो वीडियो तक, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए तो आपको समझ में आएगा कि इसका नाम मैंने काटापीटी सीरीज क्यों दिया हुआ है, ठीक। तो ये तीन प्रकार के सवाल हमारे एग्जाम में बनते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो लैडर फ्रैक्शन है इसमें आजकल जो है वो न्यू टाइप ऑफ पैटर्न के सवाल बनते हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगा पहले कैसे सवाल बनते थे, उसके बाद फिर मैं लैडर फ्रैक्शन भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी चीजें हम यहां पर सीखेंगे। सबसे पहली बात, कोई भी फ्रैक्शन यहां पर आपको मिल गया तो फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पार्ट मैंने सिंप्लीफिकेशन के पहले वीडियो में बताया था, लेकिन अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि करना क्या है। जब भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शंस को देखते हैं, 1 1/2, 3 1/4, 6 1/7, 2 1/14, 5 1/28, ये क्या है? तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में होता क्या है, मिश्रित भिन्न में दो भाग होते हैं। एक होता है आपका इंटीजर पार्ट जिसको हम पूर्णांक के नाम से जानते हैं, एक होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट यानी आगे का जो हिस्सा है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है जिसमें भिन्न का हिस्सा होता है, बाकी इसको हम उचित भिन्न भी कहते हैं, और दूसरा एक होता है पूर्णांक, ठीक। तो इन दोनों को हम अलग अलग जोड़ सकते हैं, यानी पूर्णांकों में आप जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ है उसके साथ उसको जोड़िए या घटाइए, और भिन्नों को आप अलग जोड़िए घटाइए। इससे होता क्या है, इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो समझिए इस बात को मैं जो कहना चाह रहा हूं कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर इस भिन्न को तोड़ते जाएंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो ये जो इंटीजर पार्ट है उसको इकट्ठा जोड़ेंगे, 1 + 3 + 6 + 2 + 5, 1 + 3 + 6 + 2 + 5 को अलग जोड़ेंगे, ठीक है, 1 + 3 + 6 + 2 + 5 को अलग जोड़ेंगे, और इस भिन्नों को अलग जोड़ेंगे मतलब 1/2, ठीक, प्लस 1/4, प्लस 1/7, प्लस 1/14, प्लस 1/28, इसको हम अलग जोड़ेंगे। इससे होता क्या है, हमारा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाता है। जो यहां पर एलसीएम लेना पड़ता है वो एक बार लेना पड़ता है, यहां पर आपको एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेशन, अगर आप इसको 3/2 लेंगे, इसको 7/4 लेंगे, इसको 43/7 लेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़े वैल्यूज आएंगे, आंसर आपका सेम आना है। लेकिन जो आसान रास्ता है और जो आपको फेल नहीं करेगा उस रास्ते को आप चुनिए, ये आपको जो है सबसे बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। 1 + 3 + 6 हो गया 10, प्लस 2 + 5 करोगे तो 17 यहां पे आ रहा है, प्लस इन सभी नंबर्स का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 28। 2 से काटोगे तो ऊपर 14 आ जाएगा, 4 से काटोगे तो यहां पे 7 आ जाएगा, 7 से काटोगे तो 4, फिर 14 से काटोगे तो 2, और वहां पे 28 से काटोगे तो 1 आएगा, ठीक। अब इसको देखिए तो टोटल कितना आ रहा है, इसका 17 यहां पे आ गया, प्लस इसको अगर जोड़ेंगे 14 + 7 = 21, प्लस 4 करोगे 25 + 2 = 27 + 1 = 28, 28/28। तो अगर मैं इन दोनों को काट दूं तो ऊपर क्या आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है, 28 था, 28/28 था, इन दोनों को काटने पर यहां पर ये 1 बन जाएगा, मतलब 17 + 1 करोगे तो यहां पर 18 जो है हमारा उत्तर बन रहा है, 18, ठीक है। तो इससे होता यह है कि हम जब फ्रैक्शन पार्ट को अलग जोड़ते या घटाते हैं और इंटीजर पार्ट को अलग जोड़ते घटाते हैं तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा इजी भी हो जाता है और थोड़ा फास्ट भी हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रिकरिंग फ्रैक्शन जो मैंने बताया, अशांत भिन्न जो मैंने बताया, ये अशांत भिन्न बना कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए अशांत भिन्न बनने का क्या रीजन है, देखिए अभाज्य संख्या, डिवीजन विद अ प्राइम नंबर अदर देन 2 और 5,
दो या पांच के अलावा अन्य किसी भी अभाज्य संख्याओं से जब हम विभाजन करते हैं तो एक अशांत भिन्न बन के आता है। बात समझ में आ रही है? अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में नंबर सिस्टम में, जिसको हम आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे नेक्स्ट वीक। लेकिन अभी इतना समझ के रखिए कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर का मतलब इतना होता है, प्राइम नंबर का मतलब जो है वो है कि इसके दो फैक्टर होते हैं, एक वन, केवल दो फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर, एक वन और संख्या कुल। दो का कितना फैक्टर है यानी कि गुणनखंड है, तो एक और दो, यही दो है केवल। पांच के कितने है? तो एक और पांच, यही दो है। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखना, हर चीज मैं आपको यहां पे बताऊंगा। अगर मैं यहां पर टू या फाइव, देखिए टू एक प्राइम नंबर होता है, थ्री होता है, फाइव होता है, सेवन होता है, ठीक है, इलेवन, थर्टीन, ये सारे जो है प्राइम नंबर्स हैं, सारे क्या है प्राइम नंबर्स। तो अगर मैं टू से डिवाइड करता हूं किसी नंबर को तो 0.5 यहां पे कट जाता है, यहां पे 1/5 से अगर मैं काटता हूं तो 0.2 कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है। टू और फाइव को मिला दूं तो 10 बनता है, 1/10, 1/10 का वैल्यू 0.1 आता है। टू और फाइव अगर मैं दो को दो बार लूं और पांच को एक बार लूं तो 1/20 आता है, 1/20, अभी भी वैल्यू कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी, 0.05 बन के रुक जाएगी। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा संख्या लेता हूं जो कि दो और पांच के अलावा है, जैसे कि मैंने तीन लिया, और कोई भी ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करूं जो पूरी तरह से इसको काटता नहीं है, जैसे कि मैं अगर 10 से तीन को काटूं तो बन जाएगा 3.3333। अब ये रुकने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि जब आप 10 को 3 से डिवाइड करते हो तो ये पूरी तरह से कटता नहीं है, 3 टाइम जाता है, 9 बार, माइनस करते हो 1 आता है, डेसिमल लगाते हो 0 आता है, फिर 3 आता है 9 माइनस 1, फिर डेसिमल लगाते हो 10, फिर 3 आता है, इस तरीके से चलता रहता है और आपका जो है वैल्यू 3.3333 इस तरीके से चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं अशांत भिन्न, इसी को क्या कहते हैं, तो हम अशांत भिन्न कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 3.3 के ऊपर बार। ये विनिकुलम नहीं है, विनिकुलम मतलब किसी प्लस माइनस साइन के ऊपर जब विनिकुलम लगता है, बार ब्रैकेट लगता है, उसको विनिकुलम कहते हैं। यहां पे हम 3 एक संख्या के ऊपर जब एक बार लगा रहे हैं, मतलब वो संख्या रिपीट हो रही है, क्लियर है? 3.3 के ऊपर बार मतलब है 3.3333, इस तरीके से ये चलता रहेगा, अशांत भिन्न रुकने वाला नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं अगर 5 और 3 का गुणा कर दूं 15 आएगा। अब मैं यहां पर सपोज करिए कि मैं किसी नंबर से 15 से डिवाइड करता हूं, जैसे कि मैं 17/15 का वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/15 2/15। अब ये रुकने वाला नहीं है, कैसे रुकने वाला नहीं है तो ये समझ लेते हैं। अगर मैं 17 को 15 से डिवाइड करूं तो 1/15 होता है, माइनस करोगे तो यहां पे 2 आता है, डेसिमल लगाओगे तो यहां 0, 1/15 माइनस करोगे तो यहां 5 आया, ठीक, डेसिमल है तो 0 हो जाएगा, 3 यहां पे आ जाएगा आपका 45, माइनस करोगे तो फिर से 5, मतलब जो 5 वाली प्रक्रिया है अब रुकने वाली नहीं है, 0 करोगे तो यहां पर फिर से 3 टाइम्स लग जाएगा, जो कि आपका वैल्यू यहां पर देगा फिर से 45, माइनस करोगे तो एक बार और यहां पे 5 आ रहा है, तो ये चलते रहेगा प्रक्रिया, रुकने वाला नहीं है, मतलब इसका वैल्यू जो है ये 1.1333 इस तरीके से चलता रहेगा, तो ये वैल्यू आपका दे देगा 1.13 के ऊपर बार। तो यहां पर हम 3 केवल आखिरी वाले 3 के ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये 3 रुकने वाला नहीं है, 1 3 के ऊपर नहीं रहेगा, केवल 3 के ऊपर रहेगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं मैं, केवल 3 के ऊपर यहां पर बार लगेगा, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन को। बनता कैसे है, तो 2 और 5 के अलावा किसी भी नंबर अभाज्य संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं और पूरी तरह से नंबर ना कटे तो एक अभाज्य संख्या निकलती है। 2 और 5 को किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप ले लीजिए और उसको डिवाइड करिए किसी भी नंबर से, चाहे वो कट रहा है चाहे नहीं कट रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संख्या एक शांत संख्या होती है, कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है, लेकिन ये अशांत भिन्न जो है ये कहीं भी रुकने वाला नहीं है, चलते रहता है। तो इस तरह के संख्याओं को कैलकुलेशन में कैसे हमें यूज करना है, कैसे हमें सॉल्व करना है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है? तो पेशेंस रखना, पहले मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा और फिर विद इन सेकेंड्स कैसे हमको सॉल्व करना है ये भी बताऊंगा, ठीक है? तीन तीन तरीके हम समझेंगे, तीनों तरीके में से जो पसंद आ रहा है आपको वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, 0.4 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है 0.4444
4 इस तरीके से चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, जिसका वैल्यू p बाई क्यू, करेक्ट। अगर इसका वैल्यू है p बाय क्यू, अगर इस p बाय क्यू का वैल्यू निकालना है, मतलब देखिए अभी हमने देखा था कि ये 0.4 बन रहा था p बाय क्यू से, तो कैसे बन रहा था? अब मैं उल्टा कैलकुलेशन कर रहा हूं कि अगर आपको इस तरीके का नंबर दे दिया तो उसका p बाय क्यू फॉर्म निकालना कैसे, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक। तो p बाय क्यू मैं मान लेता हूं कि इसका वैल्यू p बाय क्यू है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने बार 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, समझ में आ रहा है? जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने बार 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो मैं एक बार 10 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा 10 पी बाय क्यू। जैसे ही मैंने एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4 निकल के बाहर आ जाएगा 4.4444 डॉट 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 डॉट। अगर मैं इसको और इसको घटा दूं तो 10 में से एक घटेगा, यहां पर वैल्यू आ जाएगा 9 पी बाय क्यू। माइनस करने से क्या होगा, तो ये डेसिमल के आगे 4444 चार चार रिपीट हो रहा है, यहां भी दशमलव के आगे चार चार रिपीट हो रहा है, तो कट जाएगा। बचा यहां पे 4, यहां पे 0, 4 में से 0 घटा तो यहां पे 4 है। बताइए समझ में आया ये स्टेप? मैं कह रहा हूं कि ये अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, 2 में से 1 को घटा रहे हैं, 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो ये वैल्यू आ रहा है कि 4 बराबर पी बाय क्यू। मतलब कुल मिला के हमारा जो उत्तर है वो ये हो गया कि पी बाय क्यू का जो मान है वो हो जाएगा 4/9, 4/9, क्लियर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है। ये मैंने आपको समझाया कि पी बाय क्यू का वैल्यू क्या, मैं शॉर्ट ट्रिक आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, पहले बेसिक से समझ लेते हैं। अब यहां पर 35 है तो 0.35 है, 0.35 का मतलब है 0.353535 इस तरीके से चल रहा है, इसको मान लेते हैं p बाय क्यू। हमको निकालना है इसका p बाय क्यू फॉर्म, तो दो दो संख्या यहां पर निकलते जा रही है, रिपीट हो रही है, तो मैंने कहा जितनी संख्याएं रिपीट हो रही है उतने बार 10 से मल्टीप्लाई करना। तो अगर यहां एक संख्या रिपीट हो रही है तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई, दो संख्या रिपीट हो रही है तो दो बार 10 से मल्टीप्लाई, दो बार 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना, तो मैं यहां 100 p बाय क्यू लिख लेता हूं। और यहां पर जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 और 5 दोनों डेसिमल से बाहर निकल जाएंगे 35, और आगे ये वाला 3 यहां आ जाएगा, 5 यहां, ये वाला 3 5 यहां आ जाएगा, इसके आगे और 3 5 रहेंगे वो यहां पे आ जाएंगे, और ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, अशांत बिना तो चलते ही रहना। अब मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, अगर मैं 2 में से 1 को घटा दूं, 2 में से 1 को घटा दूं तो क्या मिलेगा, 100 में से 1 गया तो बचा 99 पी बाय क्यू, ठीक है। इसी प्रकार यहां से अगर दशमलव के आगे ये 3535 है और यहां दशमलव के आगे 3535 है, ये कटने वाला है, बचा यहां 35, यहां 0, दोनों को घटाओगे तो यहां 35 आ जाएगा, ठीक है। तो p बाय क्यू का वैल्यू क्या है, समझिए p बाय क्यू का वैल्यू हमें क्या मिला, p बाय क्यू का वैल्यू हमें मिला, इसको रीअरेंज करेंगे तो 35/35/99 यही आ रहा है ना। ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में हमने क्या किया, तो एक नंबर रिपीट किया, दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या किया, तो दो नंबर रिपीट किया। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब तीसरे एग्जाम्पल में यहां दशमलव के आगे भी एक नंबर है, दशमलव के बाद भी एक नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, और साथ में दो नंबर है जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो इसको मैं भी बेसिक से फिर से बताता हूं, और फिर शॉर्ट ट्रिक यानी कि बिना कोई बेसिक चीजें जो अभी हम सीख रहे हैं उसके बिना इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यह बन जाएगा 1.3, यहां पे 75 75 75, इस तरीके से चलता रहेगा। इसको मान लेते हैं कि इसका वैल्यू p बाय क्यू है, एक फ्रैक्शन। अगर यहां दो दो वैल्यू रिपीट हुआ, अगर दो दो वैल्यू रिपीट हुआ तो कहने का मतलब है अगर दो वैल्यू रिपीट हो रहा है तो दो बार 10 से मल्टीप्लाई करना है, दो बार 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना, 100 p बाय क्यू, ठीक। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 37 है ये दशमलव के आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 137 पॉइंट, ये 5 निकल के यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इसके बाद ये 75 यहाँ पे आ जाएंगे, अगला 75 यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद वाला 75 यहाँ पे आ जाएगा, और क्योंकि अशांत भिन्न है तो ये चलता रहेगा प्रक्रिया आगे तक। इसके बाद वाला स्टेप सेम है जो हमने सीखा था, क्या करना है इसको, ये मान लेते हैं ये 1 है ये 2 है, तो 2 में से क्या करना है, तो 1 को घटाना है, 2 में से 1 को घटा देना है, दो में से एक को घटा देना। जैसे ही दो में से एक को घटाओगे तो 100 में से एक गया तो यहाँ पे बचा 99 पी बटा क्यू, ठीक है, सॉरी 99 पी बाई क्यू। और यहाँ पे देखोगे तो रिपीट कहाँ से हो रहा है, ये 75, इस लाइन के आगे की चीज़ें रिपीट हो रही है, सेम है, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा,
बचा क्या, तो यहां पे बचा 137.5, माइनस में यहां बचा तो 1.3 बचा। इन दोनों को माइनस करने पे कितना आ जाएगा, पांच में से तीन गया तो दो बचा, सात में से एक गया तो छह बचा, और यहां 13 है तो यहां पे भी 13 आएगा, और दशमलव था यहां पे तो दशमलव यहां, मतलब कुल मिला के पी बाय क्यू का वैल्यू हमारे पास आ गया है जो कि है 136.2/99, जिसको हम रीअरेंज करके मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करूँ, तो कुल मिला के हमारा जो पी बाय क्यू का वैल्यू है, पी बाय क्यू का वैल्यू ये बन जाएगा 1362/ में यहाँ पे आ जाएगा 990। ठीक है, ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। एक चौथा एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए दशमलव के आगे भी वैल्यूज है, दशमलव के बाद भी वैल्यूज है, यहाँ दो है, यहाँ एक है, और सात रिपीट हो रहा है। तो वीडियो को आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करिए बेसिक से कि यहाँ पर क्या वैल्यू आ रहा है। उसके बाद चारों जो एग्जाम्पल मैंने लिया है इसका इकट्ठा मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और चारों में अप्लाई करके बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक किसी भी तरीके का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब 2.13 ये 7 जो है रिपीट होने वाला है, 7777 इस तरीके से रिपीट होने वाला है, इसका वैल्यू पी बाय क्यू है ना। एक अंक अगर रिपीट हो रहा है तो उतने बार 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको मानना होगा 10 पी बाय क्यू। ठीक, 10 पी बाय क्यू का मतलब ये एक बाहर बन जाएगा, ये बन जाएगा 21.3 और ये सात यहां पे आ जाएगा। इसके बाद ये वाला सात यहां, अगला सात यहां पे, अगला सात यहां पे, और इसके पीछे एक सात है वो यहां आ जाएगा और ये रिपीट होता रहेगा। मान लेते हैं कि ये पहला वाला इक्वेशन वन है और दूसरा वाला टू है, तो अगर मैं दो में से एक को घटाता हूं, क्या कर रहा हूं मैं, टू में से वन को घटा रहा हूं, तो यहां 10 में से एक घटेगा तो 9 आएगा, यहां पे पी बाय क्यू आएगा, है ना। अब हो क्या रहा है ये समझिए, ये सात जो है यहां से रिपीट होना चालू हुआ दोनों में, मतलब ये वाला सात कट जाएगा माइनस करने पर, यहां पर बचेगा तो 21.37, माइनस में यहां पे आ जाएगा 2.13, माइनस करने पर बताइए कितना आया, 37 में से 13 गया तो बचा 24 दशमलव, 21 में से दो घटेगा तो बचेगा 19। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी बाय क्यू का वैल्यू है 19.24 / 9। दो जीरो ऊपर है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं नीचे, तो ये बन जाएगा टोटल वैल्यू जो हमारा आ रहा है पी बाय क्यू का, वो मैं यहां लिख लेता हूं जो कि है 1924/900। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा चौथा एग्जाम्पल का आंसर हो गया। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसा एक टेक्निक जिसमें ये सारी चीजें ना करके हम डायरेक्टली, मैंने जो येलो कलर में लिखा हुआ है इस पे हम पहुंचे। ठीक है, तो पहले नोट्स लिख लीजिए, मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन में आपको नोट्स दिखा देता हूँ, उसको लिख लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, रिकरिंग फ्रैक्शन जब हमें निकालना है तो इसके दो पार्ट है, एक हर निकालना, डिनोमिनेटर निकालना। डिनोमिनेटर में जितने 9 होते हैं वो जितने रिपीटिंग डिजिट्स है उसके बराबर होता है, यानी 9 की संख्या, नंबर ऑफ 9 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, 9 की संख्या जो है दोहराने वाले अंकों की संख्या के बराबर होगी। और डिनोमिनेटर में जो शून्य लग रहा था 990 900, है ना, तो ये सारी जो जितने जीरो आ रहे थे डिनोमिनेटर में, हर में दो ही चीज आता है, या तो 9 आता है या तो शून्य आता है, तो 9 की संख्या रिपीटिंग डिजिट से डिटरमाइन होती है, और नंबर ऑफ जीरोस जो है ये नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आफ्टर डिजिट्स आफ्टर डेसिमल से आप बताएंगे कि जीरो कितने लगेंगे। तो शून्यों की संख्या जो है दशमलव के बाद ना दोहराए वाले जाने वाले जो अंक है उसकी संख्या से डिटरमाइन होती है कि कितने शून्य आएंगे। आप इसको अगर समझ नहीं आ रहा है तो अभी लिख के रखिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा चीजें जो यहाँ लिखी हुई है। ठीक, अब आते हैं न्यूमरेटर में, ये तो हो गई डिनोमिनेटर की बात, आते हैं न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर की अगर हम बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ सब्ट्रैक्ट द नॉन रिपीटिंग डिजिट्स फ्रॉम द नंबर, तो ना दोहराने वाले जो संख्या है उसको पूरे अंकों से एक बार घटाएंगे तो आपका न्यूमरेटर निकल के आ जाएगा। ठीक, इसको आप लिख कर रखिए। अब मैं यहाँ जो लिखा हुआ है, या तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और इसको लिखने के बाद अब हम चलते हैं वापस, समझते हैं कि ये जो लिखा हुआ है उसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को हटा देता हूँ स्क्रीन से, जैसे कि ये वाला जो कैलकुलेशन पार्ट था इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक, डायरेक्ट हम आएंगे कि ये जो वैल्यू आया हुआ है, ये वैल्यू हम येलो में जो लिखे हैं इसका वैल्यू कैसे लाना है। ठीक, तो इसमें हमने जो ये वाला कैलकुलेशन किया था, अगला कैलकुलेशन, इसको मैं हटा देता हूँ सारे कैलकुलेशंस को, स्टार्ट करते हैं इससे। तो देखिए,
हमको क्या कहा गया है कि जितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं उतने हर में नौ आएगा, तो एक बार यहां पे रिपीटिंग था तो मैं एक बार नौ लिखूंगा, ठीक, नाइन। डेसिमल के बाद क्या नॉन रिपीटिंग है? नहीं है तो जीरो एक भी नहीं आएंगे। और क्या करना है? पूरे नंबर को एक बार ले लेना है, तो यहां जीरो फोर दिख रहा है, माइनस नॉन रिपीटिंग है तो जीरो है, जो कि इसका वैल्यू फोर ही रहेगा, फोर बाय नाइन, ठीक। ये हमने किया यहां पे। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो दूसरे बार समझिए, फिर से एक बार देखिए। मैं ये जो कैलकुलेशन था इस सभी कैलकुलेशन को हटा रहा हूं क्योंकि ये बेसिक था। अब समझिए यहां से कैसे लगाना है, जो अभी हमने सीखा दो रिपीटिंग डिजिट है तो डिनोमिनेटर में दो बार नौ आएगा, डेसिमल के बाद कोई भी नॉन रिपीटिंग नहीं है तो एक भी जीरो नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर की बात हो गई। पूरे नंबर को एक बार ले लीजिए 035, माइनस इसको छुपाने के बाद जो दिख रहा है जीरो को माइनस करना है, मतलब 35/99 ही इसका वैल्यू होगा, यानी कुल मिला के डायरेक्टली आप 35/99 भी लिख सकते हैं। तीसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, यहां पर आपका जो है जीरो आने लगेगा। तो जीरो की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात यहां पर रिपीटिंग कितने हैं? दो है, तो दो बार नौ। नॉन रिपीटिंग कितना है डेसिमल के बाद? तो राइट साइड देखना है, एक नॉन रिपीटिंग है तीन, तो यहां पर हम एक बार जीरो लगाएंगे। अब करना क्या है, पूरे नंबर को लिख लीजिए 1375, माइनस इसमें से जो रिपीटिंग वाला है उसको छुपा लीजिए, क्या दिख रहा है? एक और तीन दिख रहा है, तो 13 को यहां पे घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? तो यहां पर आ जाएगा 1362 डिवाइडेड बाय 990, यही वैल्यू आ रहा है यहां पे। तो यही हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक। आखिरी वाला वैल्यू, इसको एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कैसे होगा। यहां पर सात है, एक रिपीटिंग डिजिट है, तो एक बार नौ यहां पर आएगा। दशमलव के बाद कितने नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं? तो इस दशमलव के बाद राइट साइड में एक पहला, दूसरा ये, तो दो बार जीरो लग जाएंगे, ठीक। इसके बाद क्या करना है, न्यूमरेटर में आना है, न्यूमरेटर में सारे नंबर जो दिख रहे हैं उसको एक बार लिखिए 2137, और माइनस में सात को हटा दीजिए, सात को हटाओगे तो 213 दिख रहा है, तो 213 को यहां पर घटा देंगे। घटाने पर बताइए कितना आएगा, यहां पर 24 और दो घटेगा तो 19/900, वही चीज यहां पर भी आ रहा है। तो ये जो तरीका मैंने बताया इसको आपको फॉलो करना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर जो नोट्स मैंने दिया है इसका मतलब क्या है, इसको हमने कैसे अप्लाई किया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे कुछ वैल्यूज हैं, मैं यहां पर कुछ सॉल्व करके बता देता हूं, बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए सभी का। यहां पर देखिए पांच है, तो यहां पर नौ एक बार आएगा क्योंकि एक ही रिपीटिंग है, और नॉन रिपीटिंग एक भी नहीं है तो जीरो एक भी नहीं आएगा, ऊपर में फाइव आ जाएगा। 53 यहां पे दिख रहा है, तो दो रिपीटिंग है तो यहां पर 99, दो बार नौ आएगा डेसिमल के बाद, एक भी नॉन रिपीटिंग नहीं है तो एक भी जीरो नहीं आएगा, और ऊपर आ जाएगा 53-0 यानी 53 ही आएगा। ये तीसरा वाला वैल्यू है 835, तो यहां पर तीन बार नौ आएंगे, डेसिमल के बाद कोई रिपीटिंग है क्या? नहीं है, तो एक भी जीरो नहीं आएगा। और 835 दिख रहा है, तो यहां पे 835 माइनस का शून्य हो जाएगा, ठीक। इस वाले वैल्यू में बताइए क्या होगा, यहां पे आपको 0.174 है, तो 9 दो बार आएगा, डेसिमल के बाद एक नॉन रिपीटिंग है तो एक जीरो आएगा। अब इसमें टोटल 174 में से 174 में से माइनस का आपको 74 छुपाने पर क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 173/990, ठीक है। ये हो गया तीसरा वैल्यू। चौथे वाले का क्या हो जाएगा? तो चौथा वाला मैं यहां लिखता हूं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या होगा, क्योंकि दो रिपीटिंग है एक नॉन रिपीटिंग है, तो मुझे दो बार नौ लिखना होगा और एक बार नॉन रिपीटिंग के लिए यहां पर जीरो लगाना होगा। और न्यूमरेटर में क्या आएगा? तो 3174 में से जो रिपीटिंग है उसको छुपा दीजिए, 74 को छुपा दीजिए, तो क्या बचा? 31 बचा। 31 माइनस करने पर यहां पे 3 आ रहा है, यहां पे 4 आ रहा है, तो 3143 जो है इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक। अब आखिरी वाला जो वैल्यू है उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि 5.215 के ऊपर बार का वैल्यू कितना आ रहा है, मैं देखूंगा कि किसने किसने कमेंट किया है। चलिए अब हम आते हैं एग्जाम में आपके जो सवाल आते हैं वो कैसे बनते हैं और कैसे हमें फटाफट सॉल्व करने हैं, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है फटाफट इसको हम देख लेते हैं। और यहां पर अभी जो मैं आपको तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने के, तीन तरीके हैं। जब केवल प्लस और माइनस के ऊपर सवाल बनता है तो टोटल तीन तरीके हैं। पहला तरीका बहुत बेहद आसान है लेकिन फंसा भी सकता है आपको,
क्योंकि यहां पर मैं पहला तरीका जो बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक में आपको चौकन्ना रहना है कि शॉर्ट ट्रिक जो होता है ना वो हर बार आपका अप्लाई नहीं होता है। कहाँ अप्लाई होता है वो पहले सीखिए। जब प्लस और माइनस या प्लस और माइनस इस तरीके का जब दिया हुआ तभी आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक, तो पहला तरीका क्या है समझिए। यहां पर जो डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग है वो देखिए, यहां पर डेसिमल के बाद एक भी नॉन रिपीटिंग नहीं है, यहां पर डेसिमल के बाद में एक नॉन रिपीटिंग है, अगेन डेसिमल के बाद में एक नॉन रिपीटिंग है, तो आंसर वो सही होगा जिसमें एक नॉन रिपीटिंग नंबर है, क्योंकि यहां पर एक नॉन रिपीटिंग नंबर था। तो ये आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब दो ऑप्शन में आप फंस गए, तो उसके लिए क्या करना है, आप देखिए रिपीटिंग कितने थे। यहां पर एक रिपीटिंग था, दूसरे वाले संख्या में दो रिपीटिंग थे और तीसरे वाले संख्या में फिर से एक रिपीटिंग था। तो आपको लेना है इन सभी का एलसीएम। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है। तो आंसर वो सही होगा जिसमें दो रिपीटिंग नंबर है। तो यहां पर एक रिपीटिंग था तो ये भी एलिमिनेट हो गया, आंसर जो होगा वो आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये है आपका मेथड 1, पहला तरीका, जो हर जगह काम नहीं आएगा लेकिन कहीं कहीं जहां काम आ गया वहां पे आप विद इन सेकेंड्स बिना सॉल्व किए आप आंसर को मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। आते हैं सेकेंड तरीके पे। ये सेकेंड तरीका जो है ये भी आपको वही अप्लाई कर पाएंगे जहां पे केवल प्लस और माइनस चल रहा है। तो यहां पर एक नंबर रिपीटिंग है तो 22.44444 इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है, 11.56767 67, तो यहां पे 4 एक बार और लिख लेते हैं, इस तरीके से चल रहा है। ठीक, तीसरा वाला क्या है, 33.599999 इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से। अब ये प्लस में है माइनस में, इसका ध्यान देना है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है अगले को घटाना है। तो पहले और दूसरे को जोड़ोगे 4 + 7 = 11 होगा, इसमें से 9 घटाओगे तो 2 आएगा। ठीक, 4 + 6 जोड़ोगे तो 10 आ रहा है, 10 में से 9 घटाओगे तो 1 आएगा। 4 + 6 जोड़ोगे, 4 + 7 जोड़ोगे तो 11 में से 2 घटाओगे तो आएगा 2। यहां 10 में से 9 घटाओगे तो 1, 11 में से 9 घटाओगे 2, 10 में से 9 घटाओगे 1, यहां पे 9 में से 5 घटाओगे तो 4 आ रहा है। दशमलव में 22 + 11 = 33 होता है, और माइनस का 33 करोगे तो यहां पर 0 आएगा। मतलब वैल्यू क्या है, तो 0.412 जिसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 0.412 के ऊपर बार, मतलब बी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, 0.412 मतलब 12 के ऊपर बार। क्लियर है, ये है हमारा सेकेंड मेथड इसको सॉल्व करने का। आते हैं तीसरे मेथड पे। तीसरा मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरा मेथड जो है वो कहीं भी आप लगा सकते हैं इसको, जरूरी नहीं कि ऐसा पैटर्न हो या मल्टीप्लिकेशन वाले पैटर्न हो। मल्टीप्लिकेशन वाले पैटर्न में जो तीसरा मेथड मैं सिखाऊंगा केवल वही अप्लाई हो पाएगा। ठीक, तो आइए समझते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था कि फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है, उसको थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। ये कहीं ना कहीं आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, क्योंकि इसका वैल्यू 4/9 होता है, ये भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट को अलग जोड़ेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग जोड़ेंगे। तो अगर मैं इंटीजर पार्ट को अलग जोड़ूं तो क्या होगा, ये 22 अलग जुड़ेगा, प्लस का 11 अलग जुड़ेगा, माइनस का 33 अलग जुड़ेगा। यहां क्या है, तो 0.4 के ऊपर बार है, प्लस 0.567 के ऊपर बार है, और प्लस माइनस में 0.59 के ऊपर बार। तो हमको फ्रैक्शनल पार्ट को अलग जोड़ना है, इंटीजर पार्ट को अलग जोड़ना है। ये हम स्टार्टिंग में, वीडियो के बिगनिंग में हमने देखा था, जहां पे मैंने आपको फ्रैक्शंस शुरुआत करवाया था वहां पे। तो आइए इस तरीके से सॉल्व करने पे क्या होगा, यहां पे देखिए 22 + 11 जो है 33 होता है, 33 ये कट गया। अब इसका वैल्यू क्या होता है, 0.49 का मतलब नीचे 9 एक बार और 4 में से 0 गया तो 4 बचा। सेकेंड वाले में 2 रिपीटिंग था तो मैं 2 बार 9 लिखूंगा, 1 नॉन रिपीटिंग था डेसिमल के बाद तो 1 बार 0 लिखना पड़ेगा। न्यूमरेटर की बात करें तो 567 में से 5 घटाना है, क्योंकि एक नॉन रिपीटिंग है तो पूरे नंबर में 567, माइनस का 5 करोगे तो 562 आएगा माइनस। लास्ट में एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग है तो 90 बन जाएगा, और 59 में से 5 घटाओगे तो 54 आ जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पे एलसीएम तो 990 होना है, लेकिन पहले आप क्या करिए, ये 90 और इसको भी 90 बना लेते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 90 बनाऊंगा तो ऊपर ये 40 बन जाएगा। तो 562 डिवाइडेड बाय 990 अलग, ये 90 वाले को पहले जोड़ भाग कर लेते हैं, तो 90 तो आएगा ही आएगा, 40 और माइनस का 54, तो 14 इसका डिफरेंस है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है तो माइनस यहाँ पे आएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 990 का, 990 मतलब यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई होगा 562 माइनस इसमें 11 मल्टीप्लाई करने पर 154 आ रहा है। तो 62 में से 54 गया तो बचा 8 और यहाँ पे 4 आएगा डिवाइडेड बाय 990, 990 है। अब बताइए ऑप्शन के जरिए कि कौन सा आंसर होगा। सबसे पहले 990 का मतलब दो रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग, दो रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग, तो दो रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग यही था आंसर। हालांकि आपको जब चूज करना है तो दो रिपीटिंग वाले को आप यहाँ इसके ऊपर बार लगाएंगे, समझे, ये जो 418 है, 408 है ना, तो 408 के ऊपर हमें बार लगाना है। तो करना क्या होगा, इस 4 को एक बार जोड़ दीजिए इसमें, 412 बन जाएगा और फिर बार लगाइए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 990 क्या बताता है कि दो रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग है, तो 08 के ऊपर बार लगाना था, तो मैंने क्या किया, 4 को लेकर 8 में जोड़ दिया, तो 12 के ऊपर बार लग जाएगा। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल और लेते हैं, इसको बताइए आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन होने पर पहला मेथड और दूसरा मेथड दोनों फेल हो जाते हैं, केवल तीसरा मेथड ही आपके काम आएगा। जो थर्ड मेथड मैंने बताया है वो आपको कभी फेल नहीं करेगा और वो बढ़िया मेथड है, उसमें फटाफट आंसर भी निकलता है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 0.47 के ऊपर बार है, तो एक रिपीटिंग है एक नॉन रिपीटिंग है, तो एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग मतलब एक 9 और एक 0 आएगा। ऊपर क्या लिखेंगे, तो 47 में माइनस का 4 करके आपको लिखना होगा 43। तो ये हो गया पहला एक्सप्रेशन। दूसरे एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, तो सेकेंड वाले वैल्यू में क्या आएगा, प्लस दो रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग, तो 2 बार 9 और दशमलव के बाद एक नॉन रिपीटिंग है, तो 1 बार 0 भी लगेगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा 503 माइनस ऑफ 5 करना होगा, जैसे ही आप माइनस 5 करेंगे तो 498 होगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आ गया दूसरे का। तीसरे की बात करते हैं, तो यहां पे माइनस है और ये 9 यानी कि एक नॉन रिपीटिंग और एक रिपीटिंग है, तो यहां पर 90 आ जाएगा, 9 जो कि रिपीटिंग है इसलिए 19, एक नॉन रिपीटिंग है इसलिए यहां पर 10 बचा क्या, तो 39 में से 3 घटाओगे 36 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय यहां पे नीचे 9 और ऊपर 8 आएगा, क्लियर। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा कि ये 9 इसको काट देगा 4 बार, तो लास्ट वाला जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये बन जाएगा आपका माइनस में 32 डिवाइडेड बाय 90, और यहां पर आप देख रहे हैं 43 डिवाइडेड बाय 90, तो 43 को पूरा इकट्ठा लेकर ऐसा लिख लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं आगे 498 डिवाइडेड बाय 990 का, ठीक। तो 43 माइनस ऑफ 32 करोगे तो बताइए कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 11, तो ऊपर में यहां हम लिख लेते हैं 11, ठीक। तो इसको जोड़ने पर टोटल जो आपका वैल्यू आएगा 990 का आपका एलसीएम बन गया, और यहां पर 498 प्लस में यहां पर 11 से काटोगे, 90 से कटेगा 11 बार, तो ऊपर 11 मल्टीप्लाई होगा 121 आ जाएगा, मतलब टोटल कितना आ गया, तो 8 प्लस 1 हो गया 9, 12 जोड़ने पर ये 661 दे देगा 990, है ना। 990 का मतलब होता है दो रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग, मतलब यहां पर जो वैल्यू है ये 19 के ऊपर बार आना है, लेकिन 19 के ऊपर बार आने के पहले 6 जोड़ दीजिए तो 625 आ जाएगा, क्योंकि 606 वाला जो वैल्यू वो रिपीटिंग वाला नहीं है, तो 6 जोड़ के 25 के ऊपर बार और 0. इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं इसको, ठीक। तो सी जो है सवाल का सही उत्तर होगा, ठीक। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, जो मैं समझा रहा हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही है, लाइक दबाइए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट कम्युनिटी में जरूर डाउट डालिएगा, वहां पे मैं जरूर देखूंगा और समझाने की आपको कोशिश करूंगा फिर से, ठीक। चलिए आपके लाइक से आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज और कंटेंट आपको देते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आएंगे लैडर फ्रैक्शन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में, फ्रैक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है जो अभी हमने देखा रिकरिंग फ्रैक्शन, दूसरा हमने बताया था लैडर फ्रैक्शन। तो ये अब है लैडर फ्रैक्शन जो कि इस तरीके से दिखता है।
तो इस तरीके का जो क्वेश्चन था वो आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 साल पहले आया करते थे, 3 साल पहले भी आया करते थे, लेकिन आजकल ऐसे सवाल नहीं आ रहे। सवाल एग्जाम में कैसे आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसको बताने के लिए पहले 3 से 4 साल पहले जो आते थे सवाल, 4-5 साल पहले जो आते थे, उसको समझना जरूरी है। तो पहले समझिए कि इसको सॉल्व करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लूंगा, एक एक एग्जाम्पल में एक एक चीज, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे और समझेंगे। 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 3 + 1/4 है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो करना क्या है इस तरीके के सवाल में, 1 + जो दिख रहा है वैसा लिखते जाएंगे। अब इसके बाद नीचे आए तो नीचे वाले स्टेप को यहाँ लिखेंगे 1 + इसके बाद नीचे आया फिर से यहाँ 1 दिख रहा है तो लिखेंगे 1 + इसके बाद नीचे आया यहाँ पर फिर से एक स्टेप नीचे आया तो 3 + 1/4 जैसा दिख रहा है वैसा एक बार नीचे नीचे आप जाते जाइए और एक बार इस तरीके से लिख लेंगे। अब आपको सॉल्व करना है नीचे से ऊपर की ओर, बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि इसका वैल्यू क्या है, विद इन सेकेंड्स फटाफट हमें कैसे सॉल्व करना है। 4 × 3 = 12 + 1 करोगे तो 13/4, 13/4 आ गया। अब इसके ऊपर जाओगे तो इसको रिवर्स कर देना, 4/13 लिखोगे, आया यहाँ पे 13/4, लेकिन ऊपर आओगे तो इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हमें लिखना होगा, 4/13। इसको सॉल्व करोगे तो 13 + 4 मतलब 17/13 होगा, ऊपर आओगे तो यहाँ पर रिवर्स कर लेना एक बार, 13/17। एक बार और इसको सॉल्व करोगे तो 17 + 13 होगा, मतलब ये हो जाएगा 30/17। और ऊपर जब जाओगे, इसके जस्ट ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने पर यहाँ पे 17/30 लिखना होगा, और जोड़ने पर ये हो जाएगा 30 + 17 मतलब कि हो जाएगा 47/30, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू ये है 47/30। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि नीचे से ऊपर सॉल्व करना है, और जैसे जैसे यहाँ 3 + 1/4 लिखा 13/4 आया, ऊपर लिखोगे यहाँ पर 4/13 क्योंकि 1 में इस वैल्यू को प्लस करना था तो ऊपर आएगा तो रिवर्स होगा। 4/17 हमने जो जोड़ा तो यहाँ पर 17/13 है, मतलब इसका वैल्यू 17/13 है। अब इस वाले 1 में जब जोड़ने जाओगे तो 17/13 रिवर्स हो जाता है, इसलिए 13/17 यहाँ पे आएगा, 30/17। वापस जब यहां से ऊपर आओगे तो ये 1 + में जब जोड़ना है तो इसका रिवर्स जोड़ना है तो यहाँ पे 17/30 होगा जो कि हो जाएगा 47/30। क्लियर, कैसे हमें यहां पर जोड़ना है सारे वैल्यूज को। अब देखिए इसमें वेरिएशन क्या क्या होता है वो मैं अभी सिखा देता हूं आपको। सबसे पहली बात, यहां पे हमने जो पहला एग्जांपल देखा उसमें 1 + 1 + 1 + सारे वैल्यू चल रहे हैं और यहां पर न्यूमरेटर में भी 1 1 1 1 चल रहा है। अब एक एक करके वेरिएशन के जरिए मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें। यहां पर मैंने कुछ वैल्यूज को माइनस लिया है, कुछ वैल्यू को प्लस लिया हुआ है, और यहां पे कहीं पे 1 है कहीं पे 3 है। तो जो प्रोसेस मैंने बताया है वैसे ही आपको सॉल्व करना है इसे भी। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहां 1- दिखा है तो 1- आएगा, फिर आगे यहां पर 3 था तो मैं यहां पे 3 और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। अगला 1 था तो यहां पे 1+ लिखूंगा, यहां पे 2 है तो 2 के बाद डिवीजन जो है इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। अगला है 1 - 3 है, इस अगेन डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दूंगा, और लास्ट में मेरे पास जो वैल्यू है वो है 4+1/5। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में यहां से स्टार्ट होता है तो 4 × 5 = 20 + 1 करोगे तो 21/5 आता है, ऊपर जाओगे तो ये बन जाएगा 5/21। तो 3 से काटोगे तो ये तो बन गया 7, 7 यहां पे आ गया मतलब 7 - 5/7 आ रहा है जो कि कितना हो गया तो 2/7 बन गया। अब यहां जब 2/7 डिवीजन में है ऊपर जाओगे तो 7/2 बन जाएगा, क्या बनेगा 7/2, 2 से 2 काटोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 1+7 बन जाएगा 8। अब ये जो 8 है वो यहां पे डिवीजन में है, अगर ये डिवीजन में है तो ऊपर जाएगा तो 1/8 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3/3 ये वैल्यू है तो ऊपर जाएगा तो 1/8 बन जाएगा, ये 3/8 मल्टीप्लाई होगा यहां पे, ठीक। ये है क्या एक्चुअली, ये 8/1 है तो ऊपर जाएगा तो 1/8 बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना कि इतने का वैल्यू 8 है तो ऊपर जाएगा तो 1/8 बनेगा, मतलब ये 1 - 3/8 है, 1 - 3/8 मतलब 8 - 3 करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5/8, ठीक, इस चीज का ध्यान देना है। तो हमने स्टार्ट किया है यहां से, 5 × 4 = 20 + 1 = 21/5 आए, ऊपर लिखे 5/21, 3 से काटा 7 आया तो 7 - 5 मतलब 2/7 आया, ऊपर जाओगे तो यहां पर आप जब मल्टीप्लाई करोगे 2/7 को तो वो उल्टा हो जाएगा 7/2 मतलब ये बन गया आपका 8, जहां तक का वैल्यू 8 है तो ये 3/8 बन जाएगा, 8 - 3 करोगे तो 5/8 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका जो है कैलकुलेशन बहुत तेजी से हो सकता है।
एक एग्जाम्पल आपके लिए मैंने छोड़ा है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। एक्स्ट्रा लेने का मकसद यह है कि आप इसको खुद से सॉल्व करें। तीनों वेरिएशन मैंने बता दिया कि कैसा हो सकता है सवाल, इसको सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं अभी आपको यहां पर सॉल्व करके बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, 2 माइनस, इसके बाद नीचे आएगा 3 माइनस, 3 माइनस के बाद यहां 2 है तो 2 के बाद मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद 1 है तो 1 माइनस, इसके बाद कुछ वैल्यू है, फिर यहां पर आएगा 5 माइनस 2 बाय 3। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 जो कि हो जाएगा 13 बाय 3। 13 बाय 3 अगर ये आ गया, ऊपर जाओगे तो 13 बाय 3 नहीं लिख सकते, क्या लिखना होगा तो 3 बाय 13 लिखना होगा। 13 माइनस 3 करोगे तो 10 बाय 13 आएगा। आप ऊपर जाओगे तो 10 बाय 13 नहीं लिख सकते क्योंकि 10 बाय 13 डिवीजन में, ऊपर जाओगे तो 13 बाय 10 बन जाएगा। 2 से काटोगे तो बन जाएगा 5। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15 माइनस ऑफ 13 बाय 5 जो कि हो जाएगा 2 बाय 5। अब 2 बाय 5 है तो ऊपर जाओगे तो 2 बाय 5 नहीं रह जाएगा, 5 बाय 2 रह जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 2 4 माइनस 5 बाय 2। तो यहां पे माइनस 1/2 जो है आपका उत्तर हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक, तो पूरा एक्सप्रेशन जो है ये नेगेटिव है एक्चुअली, माइनस ऑफ 2 बाय माइनस ऑफ 1/2 इसका आंसर होगा। क्लियर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लैडर फ्रैक्शन किस तरीके से आपके एग्जाम में बनते हैं या बनते थे। अब लेटेस्ट एग्जाम में जो पैटर्न आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। इस तरीके के जो पैटर्न है उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे तो 1 + 1 + 1 / 1 + 1 + 1 + 1 / x इस तरीके से आपका दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया 5/8। अगर ये 5/8 है तो x का मान हमें निकालने को कह रहा है। तो देखिए हमें करना क्या है इस तरीके क्वेश्चन में कि अगर यहां 1 दिखा यहां पे 5 दिखा ये तो गलत बात है, यहां पे 5 है यहां 1 कैसे हो सकता है। तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, आपको कंपैरिजन यानी कि तुलना करनी है, बाएं तरफ जैसा दिख रहा है क्या दाएं तरफ भी वैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जैसे ही आप तुलना करेंगे दोनों तरफ का, बाएं तरफ का और दाएं तरफ का, और वैसे जमाने की कोशिश करेंगे तो अंत में आप x तक पहुंच जाएंगे। नीचे से ऊपर यहां सॉल्व करने जाओगे तो ये सवाल तो बन जाएगा, लेकिन इसके बाद वाला जो सवाल है वो नहीं बन पाए। तो जो मैं सिखा रहा हूं उस तरीके से आप सॉल्व करिए, क्योंकि जो एग्जाम में आ रहा है उसमें मैं जो तरीका सिखा रहा हूं वो तरीका ज्यादा आपके काम आएगा, ना कि यहां पर नीचे से ऊपर सॉल्व करना। अब हमें ऊपर से नीचे सॉल्व करना होगा। ठीक, जब नीचे का वैल्यू फाइंड करना है तो नीचे ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे। जब नीचे का वैल्यू यहां दिया हुआ है और आपको वैल्यू ये निकालने को कहा गया तो जो हमने एग्जाम्पल में सीखा वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि हमें सॉल्व कैसे करना है। अब आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमें 5 दिख रहा है, यहां 1 दिख रहा है, तो 5 दिखना तो गलत है, मतलब इसको मैं क्या करूंगा, 1 / 8/5 करूंगा। ऐसा कर सकते हैं ना, हम क्या देख रहे थे कि 1 / 8/5 है तो उसको हम 1 × 5/8 कर सकते थे। अब मैं उल्टी बात कर रहा हूं कि अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या हम डिवाइड बाय 8/5 नहीं कर सकते, वही चीज हम यहां पे कर रहे हैं। अगर ये 5/8 है तो 1/8/5 करेंगे। ठीक, तो 1/8/5 तो हमने कर दिया, लेकिन अगले स्टेप में आप देखेंगे कि यहां 8/5 कहां है, यहां तो 1 है, तो आपको डिवाइड करना है। जब आप 8 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे आता है क्या, यहां पे बनता है आपका 1 3/5। 8 को 5 से डिवाइड करने पर 1 से पूरी तरह से कट जाता है और रिमाइंडर आपका क्या बचता है, तो 3 बचता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3/5, यही आएगा। ठीक, अब सेकेंड वाले स्टेप में आएंगे तो यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है, तो ये अगर 1 है तो यहां पर 3 कैसे हो सकता है, इस 3 को हमें 1 बनाना होगा। मतलब इस 3 को अगर 1 बनाना है तो इस 3 को वापस मुझे नीचे लाना होगा इस तरीके से। अब जैसे ही मैं सेकेंड लेवल पे आता हूं तो मुझे यहां पे 1 दिख रहा है, अगर यहां 1 दिख रहा है तो ये 5/3 कैसे हो सकता है, तो मुझे फिर से 3 से काटना होगा 5 को। 3 से काटोगे तो 1 + 3 होता है, रिमाइंडर बचा 2 और प्लस में यहां 3 आ गया, है ना। अब 2/3 है, अब अगेन इसको कंपेयर करोगे तो 1 क्या आ गया, यहां तो 1 है, अगर यहां 1 है तो यहां पे 2 कैसे हो सकता है, तो इसे भी 1 बनाना होगा। और अगर मुझे इसे 1 बनाना है तो यहां पे मुझे क्या करना होगा, 1/2 इस तरीके से नीचे मुझे लाना होगा। अगर 3/2 यहां पर है तो आखिरी वाले स्टेप में यहां क्या है, 1 + 1/x है, तो ये 1 + 1/x कैसे हो सकता है। अगर 3/2 है तो ये गलत है, इसको 1 + 1/x के फॉर्म में लाने के लिए 2 से काटोगे
टू जा वन होता है, रिमाइंडर वन बचा और वन बाय टू आ गया। अब इस चीज को और इस चीज को कंपेयर करिए, बिल्कुल सही है। और ये x के जगह पे क्या आया, तो टू आया, आंसर हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू टू। ठीक, इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद यहां पर जो सवाल दिया हुआ है इसको सॉल्व करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, यहां पे 29 डिवाइडेड बाय 154 है। आपको दिया हुआ है कि इसका वैल्यू 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी प्लस 1 बटा सी प्लस 1 बटा डी है। तो धनात्मक पूर्णांक है ये सारे, पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें निकालना है कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ डी का वैल्यू क्या होगा। तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कंपैरिजन के जरिए, यानी तुलना करेंगे हम बाएं तरफ क्या दिख रहा है और दाएं तरफ क्या दिख रहा है, क्या दोनों तरफ सेम चीजें हैं। उस तरीके से अरेंज करते जाएंगे और सवाल देखेंगे कि हमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो यहां 29 है, यहां 1 है, ये तो गलत बात है, इसे हमें 1 बनाना होगा। तो 29 बाय 1 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, 1 बाय 154 डिवाइडेड बाय 29 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक, अब इसको जब डिवाइड करोगे तो आप क्या जानते हैं, 29 मल्टीप्लाइड बाय 5 करने पर आता है 150 में अगर 5 मल्टीप्लाई करते, सॉरी 30 में अगर 5 मल्टीप्लाई करते तो 150 बनता। ये 30 में एक कम है तो 150 में 5 कम होगा, मतलब 145 आएगा। तो 145 पूरी तरह से कट जाएगा यहाँ पे 5 बार, तो ये 5 बार कटा, तो 5 टाइम्स 145 हो गया। तो 154 बनाने के लिए 9 रिमाइंडर आएगा, मतलब यहाँ पे 9 बाय 29 बन जाएगा। ठीक है, 9 बाय 29 आया। अब नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 9 कैसे हो सकता है, इसे भी 1 बनाना होगा। इसे 1 बनाने का मतलब इस 9 को लेकर हमें नीचे आना पड़ेगा 1 बाय 9 इस तरीके से। अगले वैल्यू में आप देखेंगे तो यहाँ बी प्लस 1 बाय है, मतलब ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह है, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न है। तो यहाँ पर आपका विषम भिन्न कैसे हो सकता है, इसे भी मिश्रित भिन्न में लाना होगा। तो कैसे लाओगे, तो 29 को 3 से डिवाइड करना होगा। 29 डिवाइडेड बाय 3 करने का मतलब है 3 बार जाएगा 27 से, शेषफल आपका बचेगा 2 और बटे में आ जाएगा 9। ठीक है, तो 29 बाय 9 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला वाला वैल्यू जो है, इसके बाद हम आएंगे यहां पर नेक्स्ट वैल्यू पे। तो बी के आगे यहां पे क्या था, तो 1 था। बी के आगे आप देख पा रहे हैं यहां पे क्या है, 1 है, तो यहां पर 2 कैसे हो सकता है, ये गलत है। मतलब यहां पर जब हम इसको तुलना कर रहे हैं तो यहां पर 1 आ रहा था, तो इसे 1 बनाएंगे तो अगला वाला 2 निकल के नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट वाला 2 नीचे आया, तो अब देखिए c प्लस 1 बाय डी है, मिश्रित भिन्न है, तो यहां पर भी c प्लस 1 बाय डी के फॉर्मेट में होना चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में होना चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन के रूप में अगर लाना है तो इसको डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8 होता है प्लस 1 रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2। अब अगर इस चीज को पूरा कंपेयर करते हैं इस चीज के साथ, तो आपको समझ में आने लगेगा कि यहां पर a जो है वो है 5, b जो है वो है 3, c जो है वो है 4 और d जो है वो है 2। अब a प्लस बी प्लस सी माइनस डी ही तो निकालना था, यानी 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12 माइनस का 2 करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, तो a जो है सवाल का सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें बैक कैलकुलेशन करके इस एक्सप्रेशन को के वैल्यूज निकालने हैं। अभी तक हम इसको उल्टा सॉल्व करना सीखे थे, लेकिन सवाल जो अभी लेटेस्ट पैटर्न में आ रहे हैं वो इस प्रकार से आ रहे हैं, तो इसके लिए भी तैयार रहिए, आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल आपको दिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब एक सवाल और है जो हमने बनाया हुआ है, क्रिएटेड है। डायरेक्टली आपको सवाल जो है ऐसा सॉल्व करने का नहीं आता है, क्वेश्चन का जो है लैंग्वेज चेंज कर देता है पेपर में और जबरदस्ती जो है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए इस तरीके से आपको सवाल दिया है। जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, इफ अंकित कैन डू दिस मच पार्ट ऑफ द वर्क इन 9 डेज देन फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू डू द कंप्लीट वर्क। यानी देखिए टाइम एंड वर्क का सवाल है, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज यूज किया वो कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन के फ्रैक्शन का यूज किया हुआ है। यदि अंकित किसी काम का इतना जो हिस्सा है उसको 9 दिनों में पूरा करता है, तो ज्ञात करें कि पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए अब हमने अलग अलग चीज को, टॉपिक को बाइफरकेशन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, तो सारी चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से। जो चीज मैं यहां बता रहा हूं आगे चल के कहीं ना कहीं टाइम एंड वर्क होगा, वहां पर यूज नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो चीज हम फ्रैक्शन में सीख रहे हैं वो कहीं और भी यूज हो सकता है। तो नोट्स आप बढ़िया तरीके से बनाइए, जो प्रोवाइड आपको नोट्स कराया जा रहा है उसको आप प्रिंट कराइए, खुद अपना भी नोट्स हैंड रिटन रखेंगे उतना अच्छी बात है, क्योंकि खुद के नोट्स ज्यादा अच्छे से याद होते हैं। ठीक है, तो मेहनत करिए, आप लोग को जितना अच्छे से आप इन सारी चीजों को याद रखेंगे उतना आपको आगे भी फायदा होगा। इस तरीके के सवाल जब एग्जाम में आ गए
तो इसको कैलकुलेट करने में अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आपका टाइम जा सकता है, लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो आप फटाफट बता देंगे कि इसका वैल्यू क्या है। तो बताइए कैसे सॉल्व करना है, तो 1 माइनस, यहाँ पे 1 प्लस, अगला वैल्यू क्या है तो 5 माइनस, और लास्ट में 1 प्लस 1 बाय 2 है। 1 प्लस 1 बाय 2 का मतलब 3 बाय 2 होता है, तो इसको उलट के लिखोगे तो 2 बाय 3 आ जाएगा। 3 इंटू 5 15 माइनस 2 करोगे, 15 माइनस 2 मतलब 13 बाय 3 हो जाएगा यहाँ पे, और अब इसको ऊपर लेकर आओगे तो 3 बाय 13 होगा, जोड़ने पर 13 प्लस 3 मतलब 16 बाय 13 हो जाएगा, और अगेन रिवर्स करने पर यह 13 बाय 16 होगा। अब 1 माइनस 13 बाय 16 का मतलब होता है 3 बाय 16। मतलब ये जो पूरा का पूरा कहानी चल रही है, इसका मतलब सवाल में ये बोलना चाह रहा है एग्जामिनर कि 3 बाय 16 काम जो है उसको करने में 9 दिन लगते हैं। यदि अंकित को 3 बाय 16 काम करने में 9 दिन लगते हैं, 9 डेज, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में करेगा। पूरा काम क्या होता है, या तो एक यूनिट मान सकते हैं या 100% मान सकते हैं, दोनों में से कुछ भी, ये भी कुछ परसेंटेज ही है या फ्रैक्शन है। तो पूरा काम क्या होगा, एक होगा। पूरा काम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 3 बाय 16, जो फ्रैक्शन है उसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। 9 डिवाइडेड बाय 3 बाय 16 मतलब गुणा करोगे तो 16 बाय 3 आएगा, 3 से कटा यहां पे 3 बार, मतलब 48 दिन लगेंगे इसे पूरे कार्य को कंप्लीट करने में, 48 days। ठीक, टाइम एंड वर्क में पहला स्टेप यही होता है कि किसी भी व्यक्ति का पूरा कार्य को करने में समय कितना लगता है वो निकाले। अब इस तरीके से सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप रेडी रहिए, तैयार रहिए। ये तभी तैयार हो पाएगा जब आपको ये सारी ट्रिक्स पते होंगे फटाफट कैसे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरे पढ़ाव में इस वीडियो के, जो कि है काटा पीटी सीरीज। क्या है काटा पीटी सीरीज, काटा पीटी सीरीज। मैंने इसका नाम काटा पीटी सीरीज क्यों दिया है ये आपको समझ में आ जाएगा अभी, क्योंकि सारी चीजें कट जाती है, केवल पहले वाले का पहला वैल्यू और आखिरी वाले का आखिरी वैल्यू बचता है। मैं यहां पर आपको बिना सॉल्यूशन के डायरेक्टली भी आंसर बता सकता हूं और ट्रिक बता सकता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इस सवाल का उत्तर जो है वो हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 99, बिना पेंसिल आए आप मेंटल कैलकुलेशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, लेकिन मैं अभी आपको पहले बेसिक से बताना चाहता हूं कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा, उसके बाद फिर हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। ठीक, सबसे पहली बात, ये जो 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 है, इसमें जो ऊपर वाला 1 दिख रहा है, ये जो ऊपर 1 दिख रहा है ना, क्या इसको मैं 2 माइनस 1 लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सेकेंड वाला जो दिख रहा है 2 इंटू 3, इसमें क्या मैं इस 1 को तोड़ के 3 माइनस 2 लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहां पे 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या 4 माइनस 3 बाय 3 इंटू 4? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे बढ़ोगे तो आखिरी वाला जो 1 है, इसको क्या मैं 99 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 99 लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक, अब इससे होता क्या है, अगर मैं इसको खोल दूं, इस ब्रैकेट को खोल दूं, तो यहां पर 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 होगा। पेशेंस रखना, मैंने डायरेक्टली कैसे आंसर दिया वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस यहां पर जो है 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 होगा माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 होगा, है ना। अगला वाला जो वैल्यू है प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 होगा माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 होगा, इस तरीके से चल रहा है। लास्ट वाला जो वैल्यू है ये हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 99 माइनस ऑफ 98 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 99, यही होगा। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करने की बारी आती है तो देखिए क्या हो रहा है, ये 2 से 2 कट गया, मतलब पहला वाला वैल्यू जो है ये बन जाएगा 1 बाय 1, दूसरा वाला जो वैल्यू है ये बन जाएगा 1 बाय 2, 3 से 3 कटेगा तो बन जाएगा प्लस का 1 बाय 2, और 2 से 2 कटेगा बचेगा 1 बाय 3, 4 से 4 कटेगा बचेगा 1 बाय 3, माइनस ऑफ ये 3 से 3 कटेगा तो बचेगा 1 बाय 4, इस तरीके से चल रहा है। आखिरी वाले वैल्यू में 99 से 99 कटेगा तो बचेगा 1 बाय 98, माइनस में 98 से 98 कटेगा तो बचेगा 1 बाय 99। तो इस पूरी चीज में एक कहानी आप समझिए कि हो क्या रहा है, कि पहले वाले में जो दूसरा टर्म निकल के आया, पहले वाले से जो दूसरा टर्म निकल के आया वो माइनस 1 बाय 2 है, दूसरे वाले से जो पहला टर्म निकल के आया वो कहीं ना कहीं प्लस 1 बाय 2 है, तो ये दोनों कट गए। दूसरे में जो सेकेंड टर्म निकल के आया वो निकला माइनस 1 बाय 3, और तीसरे में जो पहला निकल के आया टर्म वो बना प्लस 1 बाय 3, तो ये दोनों भी कट गए। इसी तरह माइनस 1 बाय 4 अगले वाले से कट जाएगा और 1 बाय 98 जो है पिछले वाले से कट जाएगा। बचेगा क्या, तो सारी चीजें कटाने के बाद जो है आखिर में बचेगा केवल पहले वाले का पहला वैल्यू जो कि है 1, माइनस आखिरी वाले का आखिरी वैल्यू जो कि 1 बाय 98।
99 सॉल्व। इसको सॉल्व कर लो, 1 माइनस 1 बाय 99 तो आपका आंसर हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 99। तो बी जो है सवाल का सही उत्तर है। क्लियर, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो मेंटली कैलकुलेशन किया वो मैंने फटाफट कैसे किया, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो करना क्या है यहां पे? आपको लेना है पहले वाले का पहला टर्म जो कि है 1/1 माइनस आखिरी वाले का आखिरी टर्म जो कि है 1/99 और यहां पे 1 डिवाइडेड बाय जो डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 और 3 का, तो यहां पर डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका 1 बन गया, मतलब कि कुल मिला के 1 डिवाइडेड बाय यहां पर डिफरेंस आएगा, डिफरेंस, ठीक, और यहां पर आ जाएगा आपका फर्स्ट टर्म पहला पद माइनस में आपका आ जाएगा लास्ट टर्म। क्लियर है, मतलब 1 डिवाइडेड बाय डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, तो डिनोमिनेटर में जो पहली और आखिरी टर्म मल्टीप्लाइड है 1 और 2 इसका डिफरेंस 1 है, 2 और 3 इसका डिफरेंस 1 है, 3 और 4 इसका डिफरेंस 1 है, तो ये मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म क्या है तो 1/1, लास्ट टर्म क्या है तो 1/99, ये हमें लिखना है। तो हमें पहचाननी क्या चीज है, दो चीजें पहचाननी है, एक तो पहले यहां पर जरूरी नहीं कि दो टर्म मल्टीप्लाइड हो, यहां पे 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म भी मल्टीप्लाइड हो सकता है। तो अगर 6 टर्म मल्टीप्लाइड है, मैं सारे वेरिएशंस आपको करवाऊंगा, पेशेंस रखिएगा, पहले टर्म और आखिरी टर्म का जो डिफरेंस है वो डिनोमिनेटर में आएगा। दूसरी बात, आपको फर्स्ट टर्म क्या है वो निकालना आना चाहिए, लास्ट टर्म क्या है वो भी आपको आना चाहिए। ठीक, तो समझते हैं, इसमें वेरिएशंस अलग अलग मैं लूंगा। यहां पर सेकंड जो है एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना है इसमें, तो 1/4 का डिफरेंस, पहले वाले का पहला टर्म है तो 1/3 माइनस आखिरी वाले का आखिरी टर्म लगना है तो 1/903, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 903 अगर एलसीएम लोगे तो ऊपर यहां पे आ जाएगा 301 माइनस का यहां पे 1 आ जाएगा, और ये 4 एक्स्ट्रा हमने डिफरेंस यहां पे डाला हुआ है 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 903, तो 3 से काटोगे तो 301 बनेगा, ये बन जाएगा आपका 100 बन जाएगा, ये 100, और 4 से काटने पर यहां पर 25 आएगा, मतलब 25 डिवाइडेड बाय 301 जो है इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 300। अब मैंने तो ये शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दिया, लेकिन एक बार मैं आपको उस तरीके से भी समझाना चाहता हूं कि डिफरेंस वाले मेथड से कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, 4 आया तो कैसे आया वो भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि 4 आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ठीक, तो ये तो शॉर्ट ट्रिक से हो गया, बेसिक से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बेसिक भी सीखना जरूरी होता है कि 4 मैंने लिख दिया तो कैसे लिख दिया। तो ये देखिए, समझिए, यहां पर डिफरेंस 4 का है, तो अगर मैं ऊपर 7-3 लिखूं और डिवाइडेड बाय 3×7 लिखूं तो ये तो गलत बात है ना। इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने आप से यहां पर 4 डाल दिया, अपने आप से 4 डालने का मतलब मुझे अपने आप से एक 4 डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो वो चीज डिवाइड भी होनी चाहिए। अब इस 4 को मैं तोड़ के लिख सकता हूं 7-3, इसी प्रकार नेक्स्ट वाला जो वैल्यू है उसको 1/4 पहले करना पड़ेगा, इस एक को, अब ये 4 बन जाएगा क्योंकि मैंने 4 यहां लिखा, 4 मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला 4 को 11-7 डिवाइडेड बाय 7×11 लिख सकते हैं। अब ये चलते रहेगा प्रक्रिया कहां तक, आखिरी वैल्यू तक, जो कि होगा 1/4×903-899 डिवाइडेड बाय 899×903। तो अगेन इसको जब बाइफरकेट करने की बारी आएगी तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि 1/4 सभी चीज में कॉमन है, तो एक बार मैं 1/4 को सभी से कॉमन निकाल लेता हूं बाहर, 1/4 मैंने कॉमन निकाला, अब इसमें क्या बचेगा, तो 7 से काट दोगे इसको तो 1/3 माइनस ये 3 कट जाएगा तो यहां 1/7 बचेगा, अगले वाले में ये जो 11 था कट जाएगा तो 1/7 बचेगा, और ये 7 कट जाएगा तो यहां -1/11 बचेगा, नेक्स्ट वाले में 1/11 प्लस में आएगा और माइनस का 1/15 आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा, लास्ट वाले में 1/899 आएगा, पहले 899 आएगा 903 काटने के बाद, और यहां 899 काटने के बाद 1/903 आएगा। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू बची तो वो क्या बची, आप देख रहे हैं 1/7 प्लस माइनस में कट गया, 1/11 प्लस माइनस में कट गया, 1/15 कट जाएगा, 1/899 कट जाएगा, मतलब 1/4
पहले वाले का पहला टर्म, लास्ट वाले का लास्ट टर्म, यही आ रहा है। और इसको सॉल्व करने पर जो उत्तर आया वो सी ऑप्शन है। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आपको कि मैंने चार लिया है तो क्यों लिया है। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन समझते हैं इस काटापीटी सीरीज का। इस काटापीटी सीरीज में अभी तक जो मैंने वैल्यूज लिए हैं उसमें मैंने डिनोमिनेटर में यानी इनके हरों में दो वैल्यूज लिया था, लेकिन अब यहां पर आप देख रहे हो तो तीन तीन वैल्यू मल्टीप्लाइड है, 147, 47, 10, 7, 10, 13, 10, 13, 16, 13, 16 और 19। बात यह है कि एक और चार में तीन का डिफरेंस है, चार सात में भी तीन का डिफरेंस है। चार सात फिर से आया और यहां दस आ गया अगला टर्म, सात दस फिर से आया अगला आ गया तेरह टर्म। तो तीन तीन अगर वैल्यूज मल्टीप्लाइड, घबराने की कोई बात नहीं है। हमारा जो डिफरेंस निकलता है वो इन मल्टीप्लीकेशन में जो टर्म्स है उसका पहला टर्म और आखिरी टर्म से निकलता है, मतलब हमारा डिफरेंस निकलेगा वन और सेवन से, हमारा डिफरेंस निकलेगा चार और दस से, हमारा डिफरेंस जो निकलेगा सात और तेरह से। तो सात और तेरह में छः का डिफरेंस, चार दस में छः का डिफरेंस, एक सात में छः का डिफरेंस, तो यही हमको करना है यहाँ। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पर कि डिफरेंस जब छः आया तो मैं अपने मर्जी से ऊपर छः मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और नीचे छः मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बाकी चीज़ों को वन इंटू फोर इंटू सेवन एज इट इज़ लिख लेते। ठीक, अब ऊपर वाले छः जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सात माइनस एक लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सात माइनस ऑफ एक लिख लेंगे। नेक्स्ट प्लस मैं करूंगा यहाँ पे, प्लस करने के बाद क्या होगा, तो प्लस करने के बाद फिर से यहाँ छः और ऊपर छः मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, और टर्म्स क्या क्या है तो 4 इंटू 7 इंटू 10 है। ऊपर वाले 6 को क्या लिखना है, तो पहले और आखिरी टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको हम लिख लेंगे 10 माइनस 4। ठीक है, ये चलता रहेगा। आखिरी वाले टर्म में 1 बाय 6 लिख लेते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय यहाँ 13 इंटू 16 इंटू 19 था, तो क्योंकि मैंने यहाँ 6 डिवाइड किया तो 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, लेकिन इस 6 को हम क्या करेंगे, 19 और 13 के डिफरेंस में लिखेंगे, मतलब 6 एज इट इज नहीं रहेगा, यहाँ पे हम कर देंगे इसको 19 माइनस 13। ठीक है, अब समझिए क्या हो रहा है, 6 सभी में मल्टीप्लाइड है तो डिफरेंस तो बाहर आ गया। बात यह है कि पहले टर्म और आखिरी टर्म को पहचाने तो कैसे पहचाने। ठीक है, तो पहले टर्म और आखिरी टर्म को कैसे पहचानना है, यहाँ पे आपका 1 बाय 6 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो पहले वाले में क्या बच रहा है, तो 7 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4 इंटू 7 बच रहा है, माइनस सेकेंड वाले में क्या बच रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4 इंटू 7 बच रहा है। ठीक, प्लस ये 6 बाहर आ गया तो ये 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 इंटू 10 है, माइनस यहां पे 4 है तो 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 इंटू 10 है। इस तरीके से प्रक्रिया चलते रहेगी और लास्ट वाले में यहां पे 19 है, 19 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 16 इंटू 19 बचेगा, और माइनस में आपका यहां पे 13 है तो 13 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 16 इंटू 19 बचेगा। ठीक है, अब क्या चीजें यहां पे है बची है उसको समझ लेते हैं, क्या कट रहा है वो भी समझ लेते हैं। ये 7 से 7 कट गया और ये 1 से ये वाला 1 कट जाएगा, दुखी साधारण सी बात है, 10 से 10 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, ये 19 से 19 कटेगा, 13 से 13 कटेगा। तो क्या बचा वैल्यूज, वैल्यूज ये बचा कि यहां पे 1 बाय 6 है, पहले वाले का पहला टर्म 1 बाय 1 इंटू 4 माइनस 1 बाय 4 इंटू 7। ठीक है, और प्लस डिवाइडेड यहां पे 1 बाय 4 इंटू 7 माइनस ऑफ 1 बाय 7 इंटू 10 होगा। ठीक है, और इस तरीके से चलते रहेगी कहानी, लास्ट में 1 बाय 13 इंटू 16 है और माइनस में यहां पे 1 बाय 16 इंटू 19 है। ठीक, तो देखिए क्या चीज बचा, केवल पहले वाले का पहला टर्म बचेगा। यहां पे देखिए पहले वाले का दूसरा टर्म क्या है, तो माइनस 1 बाय 4 इंटू 7 ये कट जाएगा, अगले वाले का प्लस 1 बाय 4 इंटू 7 ये भी कट जाएगा, दूसरे वाले का पहला टर्म माइनस 7 इंटू प्लस 7 इंटू 10 एक जगह आएगा यहां पे, अच्छा ये मैंने लिखना भूल गया, यहां से आपका प्लस 1 बाय 7 इंटू 10 होगा और ये भी आपका माइनस 1 बाय 7 इंटू 10 यहां से आएगा, यहां से 13 इंटू 16 जो है पिछले वाले 13 इंटू 16 जो कि यहां पे प्लस से आएगा वो कट जाएगा, है ना, माइनस प्लस दोनों कट गए। तो कुल मिला के अच्छा यहां पे अगले वाले टर्म में यहां पे प्लस आना था, ये प्लस होगा ना तो ये कट जाएंगे, कुल मिला के जो वैल्यूज बच रहे हैं वो बच रहा है केवल 1 बाय 1 इंटू 4 और लास्ट में 1 बाय 16 इंटू 19। तो एग्जाम में हमको इतनी सारी चीजें नहीं लिखनी है, हमको क्या लिखना है, तो एक ही चीज लिखना है, हमको लिखना है 1 डिवाइडेड बाय डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, तो पहले और आखिरी जो वैल्यूज चल रहे हैं उसका डिफरेंस इंटू फर्स्ट टर्म
पहला पद माइनस लास्ट टर्म मतलब आखिरी पद। इतनी सारी कहानी मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालना भी हमें आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या निकला ये समझ लीजिए। पहले तो यहां पर क्या आया था, डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, तो 6 और 7 और 1 का डिफरेंस है 6 का। पहले वाले का पहला टर्म क्या है, तो 1/1 × 4 ये आपका होगा पहला टर्म, माइनस लास्ट वाले का लास्ट टर्म हो जाएगा 1/16 × 19। बस इतना ही हमें पेन चलाना है एग्जाम में, इस पैटर्न को अगर आपको मिल गया एग्जाम में बस इतना ही हमें सॉल्व करना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 1/6 तो बाहर है, अंदर वाले का एलसीएम 16 × 19 होगा। 4 से इसको काटोगे तो ये 76 ऊपर आएगा, 76 − 1 आ जाएगा मतलब 75 हो गया। 75 / 6 × 16 × 19, 3 से काटोगे तो 2 यहां पे 25 आ गया। ठीक, तो बताइए इसका कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं 25 न्यूमरेटर में आना चाहिए, तो ये दोनों उत्तर गलत है। और यूनिट डिजिट की हम बात करें तो 2 × 6 आपका 12 देगा 32, 32 × 19 करोगे तो कहीं ना कहीं आपका 8 आना चाहिए, यही उत्तर होगा। अब देखिए इसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, अब आपको मैं डायरेक्टली इसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। 1/1 × 2 × 3 × 4 है, प्लस 1/2 × 3 × 4 × 5 है, ऐसा चल रहा है कहां तक, तो 9, 10, 11, 12 तक चल रहा है। तो पहले डिफरेंस देखिए 1 और 4 का, सेम डिफरेंस 2 और 5 में आएगा, सेम डिफरेंस 9, 12, तो डिफरेंस क्या है तो 3 है। पहले वाले का पहला टर्म होगा 1 × 1 × 2 × 3 मतलब आखिरी वाले को छोड़ने पर जो टर्म्स बचते हैं वही डिफरेंस होता है, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 1 × 2 × 3 माइनस आखिरी वाले में देखोगे तो 1/10 × 11 × 12 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/3। दोनों का एलसीएम बताइए क्या हो जाएगा, ये आपका 1320 बनेगा एलसीएम। 6 से काटोगे तो यहां पे 220 आ रहा है, माइनस यहां पर 1 आएगा, मतलब कुल मिला के आपका आंसर हो गया 219/3 × 1320। 3 से काटोगे तो ऊपर कितना आ रहा है, 73 आ रहा है, 73/1320 मतलब ए जो है सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड पैटर्न है काटा पीटी सीरीज का, आपको कुछ करना नहीं है, 1/डिफरेंस और पहला पद माइनस आखिरी पद, इतना ही हमें करना है। पहचानना पड़ेगा पहला पद क्या आखिरी पद क्या है, वो कैसे पहचानना है वो भी मैंने बता दिया। मल्टीप्लीकेशन में जो सारी वैल्यूज चल रही है उसमें से आखिरी टर्म को छोड़ दो, ये जो आखिरी टर्म दिख रहा है इस 4 को छोड़ दोगे तो पहला टर्म बन जाएगा, और लास्ट वाले में इस पहले वाले को छोड़ दोगे तो ये आखिरी टर्म बन जाएगा। ये आखिरी टर्म, ये पहला टर्म, और डिफरेंस जो है वो 2 और 5 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 लिखना है, बस इतना ही हमें पेन चलाना है एग्जाम में और सॉल्व करना है, आंसर आपका सही आएगा। ठीक, काटा पीटी सीरीज पहचान में आ गया कैसे होता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो इस पैटर्न में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करने के बाद वो आ जाते हैं काटा पीटी सीरीज में। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, यहाँ दिया हुआ है इफ इतने सारे एक्सप्रेशन का 1 + 1/x है तो x का वैल्यू क्या है, यदि इसका मान 1 + 1/x है तो x का मान क्या है हमें निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए समझिए यहाँ हो क्या रहा है, इसको अगर मैं 1 + 1/2 को सॉल्व करूँ तो यहाँ पे 3/2 आएगा, 1 + 1/4 को सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, 5/4 आएगा, 1 + 1/6 को सॉल्व करूँ तो 7/6 आएगा, 1 + 1/8 को एज इट इज अभी रख लेते हैं। ठीक, और क्योंकि यहां पर 1/1 + 6 था, चलिए इस चीज का देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/7 और इसका वैल्यू हो जाएगा 4/5 और इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3। मैंने इस वाले को इसलिए नहीं छुआ क्योंकि बाकी चीजें यहां कटने वाली है, अगर आप देखेंगे तो यहां 3/2 था तो इधर 2/3 हुआ, तो मतलब 1 + 1/2 1 − 1/3 से कट जाता है, 1 + 1/4 1 − 1/5 से कट जाता है क्योंकि इसका वैल्यू अगर 5/4 है तो इसका वैल्यू 4/5 है, 4/5 और 5/4 कट जाता है, 7/6 और 6/7 कट जाता है, मतलब 1 + 1/8 का जो वैल्यू है ये 1 + 1/x के बराबर है। मतलब डायरेक्टली क्या हम ये नहीं लिख सकते कि x जो है वो 8 है। ठीक, तो बी है इस सवाल का सही उत्तर। एक और पैटर्न देख लेते हैं इसी तरह के काटा पीटी सीरीज में जो कि कट के सारे वैल्यूज कट जाते हैं जिसमें,
तो आपको ओपन रहना है, जरूरी नहीं कि मैंने जो पैटर्न सिखाया वैसा ही एग्जाम में आएगा। इस तरीके के पैटर्न भी बन सकते हैं जिसमें सारे वैल्यूज कट जाते हैं और सिंप्लीफाई होके इक्वेशन छोटा रह जाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखिए, यहां पर क्या है, 1 - 1/2 का स्क्वायर है इंटू 1 - 1/3 का स्क्वायर, नेक्स्ट 1 - 1/4 का स्क्वायर है, तो इस तरीके से चल रहा है वैल्यू, इसका मान याद करना है। तो एक फॉर्मूला जो आपको याद आ रहा होगा कि a² - b² का फॉर्मूला होता है a+b × a - b, ठीक। तो अगर यहां पे 1 - 1/2 का स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं 1 क्या स्क्वायर भी तो है, क्योंकि 1² = 1 ही होता है। इसको भी मैं स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको भी मैं स्क्वायर लिख सकता हूं, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, क्योंकि 1² का वैल्यू 1 ही होता है। अब जब ये 1² - 1/2 है तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो a+b × a - b होता है। इसके तहत मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूं, जो वैल्यू यहां दिख रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/2 × 1 - 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो वैल्यू, इसको 1 + 1/3 × 1 - 1/3, ऐसा लिख सकते हैं। अगला वैल्यू को 1 + 1/4 और 1 - 1/4 लिख सकते हैं। इस तरीके से चल रहा है, कहां तक, 1 + 1/99 और 1 - 1/99, यही आ रहा है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करने जाएंगे, एक चीज आप समझिए यहां पे हो क्या रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, 1 + 1/2 का वैल्यू होता है 3/2 और 1 - 1/2 का वैल्यू होता है 1/2, 1 + 1/3 का वैल्यू होता है 4/3 और 1 - 1/3 का वैल्यू होता है 2/3। नेक्स्ट वाला वैल्यू 1 + 1/4 का वैल्यू होता है 5/4 और 1 - 1/4 का वैल्यू होता है 3/4, ठीक है, ये चलता रहेगा। और लास्ट में यहां पर आपका जो वैल्यू है कहां तक चल रहा है, तो लास्ट वैल्यू जो आपका आ रहा है वो है यहां पर 99 + 1 + 1/99, जो कि हो जाएगा 100/99 और माइनस करने पर आ जाएगा 98/99। अब यहां पे समझिए क्या हो रहा है, यहां पर जो 1 + 1/2 था और यहां पे 1 - 1/3 था, ये 3/2 है तो ये 2/3 है। अगर यहां पे आप देखोगे 1 + 1/3 है और यहां जो 1 - 1/4 है, तो ये अगर 4/3 है तो ये 3/4 है, तो ये सारी चीजें कटते जाएंगी, लास्ट में 1 - 1/99 वाला वैल्यू कट जाएगा। लेकिन इसको काटने के लिए आगे नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, मतलब बचेगा क्या, तो 100/99 बचेगा और यहां पे 1 - 1/2 का वैल्यू बचेगा, तो ये 2 जो है इस 100 को काटेगा 50 बार, तो उत्तर आपका आ जाएगा 50/99, ठीक है। तो बी जो है सवाल का सही उत्तर है। तो अब हम यहां पे इस वीडियो को यहां पे रोकते हैं, ठीक है। कल सैटरडे संडे जो अभी आने वाले हैं, इसमें आपको हम प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराएंगे। इस हफ्ते में जितने भी हमने वीडियोस कवर किया, तो प्रैक्टिस शीट के लिए क्या करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक प्रोवाइडेड है कंपटीशन कम्युनिटी का, उसमें आपको जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पे प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट वीक में क्या लेक्चर होने वाला है, क्या टाइमिंग रहेंगे, ठीक है, वीडियोस आपको कब मिलेगा, उसका टाइम शेड्यूल भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। कुछ भी आपको डाउट पूछना है इस लेक्चर से रिलेटेड, तो वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ग्रुप में, आपको एक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस ग्रुप में जुड़ जाइए। जो भी डाउट है, चाहे आप यहाँ पर इस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो या आपको जो प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराई जा रही है उससे कुछ डाउट है, तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, उसका जवाब हम यूट्यूब के माध्यम से आपको आने वाले लेक्चर्स में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं और SSC CHSL का प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।